रिपोर्ट शामिल कयूं था माजिद महमूद जी। सखर में तंजीम फिक्रो नज़र सिंध के ज़ेरे इंतज़ाम सिंध इस्लामिक सेंटर मीनारा रोड सखर फिक्रो नज़र पब्लिक स्कूल में योम बाबुल इस्लाम की तकरीब के सदारती खिताब कंदे सदर तंजीम प्रोफेसर असगर मुजाहिद महर सिंध सगोरी भागन वाली सदन का इस्लाम जो गवारो रही है। दह रमज़ानुल मुबारक 93 हिजरी जो ढी तारीख सास अहद सास ढी है जडे लश्कर इस्लाम गाजी मोहम्मद बिन कासिम के सपह सालारी में सिंध फतेह करे वो इनकलाब आंदो जो इन तारीखी असीम शान कारनामो सर अंजाम दिनो जैसा सिंध के बाबुल इस्लाम जो अबदी शरफ हासिल थो। सिंध के अवाम के इस्लाम जड़े अल्लाह पाक के पसंदीदा दीन से रोशनास थो पो। उन मौके से तकरीब के प्रोफेसर मोहम्मद अली राजपर फजलुल्ला महेसर हाफिज फतेह मोहम्मद मीर मुश्ताक अली लुंड प्रोफेसर मोहम्मद इब्राहिम महर बहन पिण खिताब किया। प्रोफेसर नईमुल्ला पेचोहो मोहम्मद बिन कासिम जो किरदार सीरत तैयबा जो अमली नमूनो हो। उन मोहब्बत ए अख़वत ए भाईचारे की तालीम दिनी जैसे सिंध के मानून के इस्लाम से सचो प्यार थी वो खरा ए सच्चा मुसलमान थी पाया। उन मौके से सदर तंजीम प्रोफेसर असगर मुजाहिद महर सखर में तंजीम फिक्रो नज़र सिंध के दफ्तर सिंध इस्लामिक सेंटर मीनारा रोड से थियल कब्जो खत्म कराए वापस किया वे थियल नुकसान जो असलो कर मुआवजो दिनों वे। सदर पाकिस्तान वजीर आजम पाकिस्तान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस सिंध वजीर आला सिंध गवर्नर सिंध नोटिस वी असा के इंसाफ फराम कन हमने कभी भी किसी सूरत में भी नहीं छोड़ा, मैदान नहीं छोड़ा और भागे नहीं है, मफूर नहीं है, फरार नहीं है। हम आज लगे इस्लाम पर कायम हैं, आज भी अरोड़ पर हमारी सारी नजरें सुबह शाम हमारी जो है नजर है वो अरोड़ पर। अरोड़ जहां पर हमने हमारे अकाबर ने हमारे इस्लाम के लश्कर ने खता किया, हम सिंधु देश को हम हिंदू देश को किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये इस्लाम तेरा देश है तो मुस्तफी है इस्लाम, लिहाजा उनकी जो खिदमत थी उनका जो अखलाकियात थी उनकी जो तालीम थी वो ऐसी थी कि सब लोग जुड़ गए और फिर यहाँ तक नहीं मुल्तान तक गए, मुल्तान से आगे तक पूरी जनूबी एशिया के अंदर इस्लाम के लिए रास्ता खुल गया, गेट वे है सिंध। इसलिए हम बाबुल इस्लाम कहते हैं आज के वो मुबारक दिन है। तंजीम फिक्र नज़र अपने प्रोग्रामों को जारी रख रही है और लोगों को जो है ये बता रही है, ये एक जो आवाज़ है और कहते हैं आवाज़ है खल निकार है खुदा, इंशाल्लाह एक निकारा बनेगा और ये पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम की आवाज़ जो सबब बने जो मोहम्मद बिन कासिम की सूरत में अची सिंधु फतेह कई जालिम हुक्मरान का निजात दियारी अज अस मुसलमान आयोबारे असाजे अड़ी तारीफू जी बचा घुर्जन उन्होंने पढ़ने घुर्जे उन्होंने अमल कर प्रोग्राम करने के मकसद ये है असी जुर्म जहा जुर्म के जबर के खिलाफ जो आवाज़ उठाए उन्होंने खिलाफ अंदर करो है तो सिर से करेंगे। अब सीरत पे बात करना, ये मोहम्मद बिन कासिम भी एक सीरत का हवाला ही है, ये सीरत का हवाला ही है। एक लफ्ज भी आपने सीरत पर अगर गलत कह दिया तो उसकी सजा क्या होगी ये रोज़े मशर के दिन पता चलेगा। मैंने एहतियातन इस तकरीर के लिए सिर्फ एक कुरान पाक की आयत निकाली कि अंत अब्दुल अमानत आ गया, अहल को मसनद दो, अमानत लौटा दो, जो आपके पास है सदर करना है, वज़ीर आज़म करना है, एमएनए करना है, एमपीए करना है, तंदूर फिगर का सदर करना है। सब्सक्राइब करें पाक जज्बो न्यूज़ को और बाखबर रहें हमारे हर नए आने वाले वीडियो से।